समझाने लगी। लेकिन जब जैसे ही मुर्गा ने बांग लगाई, अहिल्या ने सोचा सवेरा बहुत जल्दी। गौतम ऋषि ने सोचा सवेरा तो बहुत जल्दी हो गया। गौतम ऋषि ने पत्रों को लिया, वो तो चले गए। जैसे ही गौतम ऋषि का जाना हुआ, वैसे ही अहिल्या का घुसना हुआ। यानी कि इंद्र ने बाबा का भेष बना करके अहिल्या के आश्रम में घुस गए, अहिल्या के साथ में चल कर दिया। और जब अहिल्या के साथ में चल किया, इधर गौतम ऋषि ने जैसे गंगा मैया में कमंडल भिगोया, गंगा मैया आभार देने लगी, हो गए तेरे घर में छल हो रहा है, तू यहां बाबों को धो रहा है। जब इतना कहे तो उसी समय गौतम ऋषि बोले, भैया हम तो प्रतिदिन ही गंगा स्नान करने आते हैं, लेकिन आप तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? गंगा मैया बोली, पापी तेरे घर में छल हो रहा, तू पापों को धो रहा। इतनी बात सुनी गौतम ऋषि ने भीगे बंदरों को कंधे पर डाला और चल दिए। अहिल्या के दरवाजे पर पहुंच करके आवाज लगाने लगे, अहिल्या ए दरवाजा खोलो। अहिल्या ने देखा एक पति मेरे पास सो रहे, एक पति आवाज लगा रहे। अहिल्या ने सोचा ये क्या हो रहा है। अहिल्या दौड़ करके दरवाजे पर पहुंची, देखा गौतम ऋषि खड़े हुए हैं। गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया, जा अहिल्या तूने अपने पति को नहीं पहचान पाया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप दे रही, तू पत्थर की हो जा। अहिल्या पत्थर की स्त्री हो गई और आगे बढ़े। देखा एक दीवार पे, थोड़ा आगे दीवार के पास में इंद्र खड़ा हुआ है। इंद्र से कहने लगे, तेरी इंद्राणी इतनी सुंदर थी भूमि, तूने मेरे स्त्री के साथ में प्यार किया, इसलिए मैं तुझे भी श्राप दे रहा हूं, तेरे सीने में हजारों छेद हो जाए, तेरे चेहरे में आंखें बन जाए। अब थोड़ा और आगे बढ़े, देखा एक दीवार पे चंद्रमा के, यानी कि चंद्रमा मुर्गा के भेष में बैठा हुआ है। गौतम ऋषि को गुस्सा आ गई। गौतम ऋषि ने पत्रों को लिया, अहिल्या के मार दिया। देखना आज भी धब्बा लगा हुआ है चंद्रमा में। जब पूर्णमासी के दिन निकलता है तब देखना आज भी चंद्रमा में धब्बा लगा हुआ है। अब विश्वामित्र बोले, बेटा श्री राम अब तुम अहिल्या का उद्धार करो, तो श्री राम ने क्या किया है कि गुरु विश्वामित्र के कहने पर अहिल्या का उद्धार विश्वामित्र के कहने पर श्री राम ने अपने चौरों की धूल अहिल्या के ऊपर डाल दी। अहिल्या एक बहुत सुंदर सी स्त्री बन गई।
अब अहिल्या का उद्धार करके चले जा रहे हैं आगे आगे। चले रघुराई रावण अहिल्या का उद्धार करके और पहुंचे फूलबाग में। अरे की बात वाले की फूल अरे जाते न रुके अब तक पूरा अहिल्या का उद्धार करके जनक के फूलबाग में पहुंचे कब? कुंवर की पूर्णमासी के दिन। तो विश्वामित्र कहने लगे बेटा श्री राम जाओ सुंदर से फूल तोड़ करके लाओ। अब ऐसा ही नहीं है जब श्री राम ने अपने गुरु की आज्ञा को सुना। क्या पाई के श्री राम चले पहुंची विजय फुलबाड़ी रहता था जहां जनक बसंत घड़ा कुंजों की ताबेदारी में जनक के फूल बाग में पहुंचे। सुनी